ये सब कथाएं आप हम सबको बताती हैं। भूल हमसे हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज की आवश्यकता है, पश्चाताप करते रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शुभ कर्म करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा पूरा बनता नहीं है, पापों का कुछ न कुछ अंश रह जाता है। शुभ कर्म भी हमारे पापों का क्षय करते हैं लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं। पूर्ण रूपेण तो जब पश्चाताप होता है उसके बाद पाप समाप्त। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जलन, क्षोभ कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया। और भगवान नाम लेते रहो, हृदय में पश्चाताप है, उग्लानी वो अग्नि आपके हृदय में जलती रहे, आप भगवान नाम लेते रहो तो आपके पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। जिस तरह से लोहा होता है, लोहे का जंग उस लोहे को समाप्त करने पर तुला रहता है, उसी लोहे को अग्नि में जलाया जाए तो अग्नि उसके लोहे के जंग को उतार देती है, ठीक उसी तरह से हम भी पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाएं तो जो हमारे दोष हैं, जो हमारी भूल हैं, जो हमारी कमियां हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और फिर संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए? कि हमसे दोबारा ये भूल हो ना, दोबारा फिर ये ना भूल। आपसे भूल हुई, आपने पश्चाताप किया, आपने शुभ कर्म किया, आपने भगवान नाम जपा और उससे आपके उन पापों की निवृत्ति हुई, लेकिन वही पाप फिर हम करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हमको पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक अबोध व्यक्ति पाप करता है और एक जानकार व्यक्ति पाप करता है, दोनों के पाप के फल में बहुत अंतर होता है। एक अबोध व्यक्ति यदि पाप करता है उसको थोड़ा सा दंड मिलता है, लेकिन कोई जानकार जानबूझ करके फिर वो पाप करता है उसको बहुत दंड मिलता है। आपके घर में दो बच्चे हैं, आप इस उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हो। आपके घर में दो बच्चे हैं, एक 3 साल का है और एक 15 साल का है, और दोनों एक जैसा अपराध करते हैं, तो आप ज्यादा दंड किसको दोगे, 3 साल वाले को या 15 साल वाले को? क्या कहते हो आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग ना? बोले बोले शंकर भगवान की जय। आपके घर में दो बालक हैं, एक 3 साल का है और एक 15 साल का है, दोनों ने एक जैसा अपराध किया, आप दंड किसको दोगे, 3 साल वाले को दोगे कि या 15 साल वाले को? 15 साल वाले को ज्यादा दंड दोगे, उसको तो कहोगे आप 15 साल वाले को कहोगे कि वो तो नादान था, उसने कर लिया तो कोई बात नहीं, तूने कैसे कर लिया, तू तो ज्ञानवान था ना, तू तो नादान नहीं था, तूने कैसे कर लिया। ठीक यही बात हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति करे तो उसके अपराधों का इतनी गणना नहीं है, लेकिन जान की जानकारी होने के बाद और फिर आप करते हैं तो फिर आपको भयंकर दंड मिलता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, आपको अपराध बोध हो जाए कि हमसे अपराध हुआ है तो फिर संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसा पाप नहीं होगा।